सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कार मैकेनिक कार की मरम्मत कर रहा होता है, लेकिन कार स्टार्ट हो जाती है और उस आदमी को कार के द्वारा कुचल दिया जाता है। दरअसल बात यह है कि एक कार मैकेनिक कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कार के अंदर जाता है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर वह बोनेट के अंदर जाता है और मैकेनिकल पार्ट्स को देखता है। अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है और कार के द्वारा उस आदमी को कुचल दिया जाता है। कार को ऑटोमेटिक कार बताया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि ऑटोमेटिक कार को भारी ट्रैफिक में कंट्रोल करना आसान होता है और क्लिच और गियर को बार बार पुश करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक कार को लेकर अब बहस छिड़ गई है कि आखिर ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सेफ है। वहीं इंडिया में अगर हम रोड एक्सीडेंट की बात करें तो NCERB डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं।